अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं यूज़र नेम आप सबका खिचड़ी किचन में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं प्रोटीन स्प्राउट सैलड, जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी और हम इसमें अपना जितना भी प्रोटीन कंज्यूम करेंगे वो सब वेजिटेरियन फॉर्म में होगा। तो आप हमारी रेसिपी को एंड तक देखें और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने हाफ कटोरी मूंग, साबुत मूंग लिया है और ये 3/4 कटोरी देसी चना लिया है। हम इन्हें ओवरनाइट सोक करेंगे और फिर जब सुबह हो जाएगी तो हम इनका पानी ड्रेन करके इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो शाम तक इनमें स्प्राउट निकल जाएंगे। ये बहुत ही ईजी टेक्निक है स्प्राउट निकालने की, और अगर आप चाहें तो मलमल के कपड़े में भी इनको लटका सकते हैं तो उस तरह से भी स्प्राउट निकल आएंगे, लेकिन ये बहुत इजी टेक्निक है तो हम इसे ही यूज़ करते हैं। और आप एक बात का ख्याल रखें कि इन्हें ढक कर रखें, अगर आप इन्हें खुला छोड़ देंगे तो ये सूख जाएंगे। सूखे हुए चने या मूंग में स्प्राउट कभी भी नहीं निकलेंगे, तो आप इन्हें ढक कर छोड़ें, उनसे इनका मॉइस्चर बना रहेगा और शाम तक स्प्राउट निकल आएंगे। और ये हमारे स्प्राउट निकल कर तैयार हो गए हैं, आप देखिए। ये कटोरी हमने हाफ लिए थे और ये फुल हो चुकी है, तो इसकी क्वांटिटी इतनी ही रखनी है हमें। और हमारे चना में से भी बहुत अच्छे स्प्राउट निकले हैं, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने स्प्राउट ऐड कर लेंगे। अपने चने और ये हमारी वेजीज़ हैं कुकुम्बर, हमने सब अपनी वेजीज़ को चॉप कर लिया है। टमाटो, ये हरा धनिया और पुदीना मिक्स है, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। पुदीना हमने इसलिए ऐड करा है, ये पीनट्स हैं, सॉल्टेड पीनट्स। पुदीना हमने इसलिए ऐड करा है डाइजेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का स्प्राउट से गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं, तो पुदीना उसको स्टेबल कर देगा। ये कैरेट, आप अपने हिसाब से वेजीज डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और ये लास्ट में अनियन, क्योंकि हम वेज प्रोटीन सैलेड बना रहे हैं तो ये हमने लिया है पनीर, जिसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है छोटे छोटे। अब हम अपने ड्राई मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काला नमक और ये ज़ीरा है जो हमने रोस्ट कर लिया है। इन मसालों से हमारे सैलेड का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब हम लास्ट में अपना नींबू डालेंगे, ये हाफ नींबू है, हाफ लेमन जूस है, और ये सारे मसालों को बाइंड कर देगा अच्छे से। तो ये लीजिए, ये हमारी बहुत जल्दी प्रोटीन सैलड तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बहुत अच्छा मिक्स देंगे। ये देखिए कितनी कलरफुल ये लग रही है, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी जितनी टेस्टी ये दिख रही है। और ये हमारी सैलड एकदम तैयार है, स्प्राउट प्रोटीन सैलड। ये वेट लूज के लिए, डायबिटीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अब हम इसको एक छोटे से कटोरी में सर्व कर लेते हैं। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मील है, इसमें पावर पैक प्रोटीन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।